आजकल सीजन क्या किसानी का है राहुल गांधी जी आजकल किसान की भूमिका में है क्या किसानी का सीजन नहीं है धान कटाई का, का सीजन तो ही है नहीं आपने जी को तो सुना ना हाँ तो मैं उसका जा चुके आपने पूछा सवाल इसलिए मैं बोल रहा हूँ देखिए रेडियो पे मन की बात करने वाले टीवी पे जब देख करके बैठते हैं रेडियो के मन की बात को टीवी पे देखने बैठने वाले पार्टी के लोग जब ये किसी के ऊपर कमेंट करें तो भैया अपना भी देख लिया करो कि माननीय साहब जनता के बीच में कब रहते हैं अपने मित्रों के अलावा गरीबों के बीच में से आने की तो कभी ना फुर्सत है ना आते हैं वो आदमी तो 500 मीटर दूर रोक दिया जाता है बात ये नहीं है बात यहां मुद्दों की होनी चाहिए मुद्दे क्या हैं छत्तीसगढ़ के या पूरे देश के एक पार्टी है बीजेपी जो बोलती है वादा करती है बाद में करती है हम तो जुमला था वो एक, party, एक पार्टी है कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है जो कमिटमेंट करती है जो प्रण लेती है उसको दो चार घंटे में ही लागू कर देती है पूरा कर देती है चाहे वो आप हिमाचल प्रदेश में देखें हमने उसको लागू कर दिया पूरा कर दिया आपने कमिटमेंट उसके बाद आप कर्नाटक में देखें पूरा कर दिया 2018 में जब छत्तीसगढ़ की सरकार बनी थी कांग्रेस की तो हमने वोट लेने के दो घंटे के अंदर वो जो बड़े वादे थे हमारे वो पूरा किए और प्रदेश की जनता को हमने वो सुविधाएं मुहैया कराई आप देखिए 2018 के पहले जब 15 साल यहां बीजेपी की हुकूमत थी कोई भी जो यहाँ का होगा उसे एहसास होगा जब उस वक्त वो कहता होगा कि आप आइए छत्तीसगढ़ में रहे यहां तो जो लोग बाहर रहते तो कहते नहीं बाबा नहीं, नहीं नहीं वो बड़ा शांति है बड़ा डर है वहां ये इंप्रेशन था गरीबी का इंप्रेशन था भूखमरी का इंप्रेशन था चारों तरफ लोगों में बाहर के लोगों में यहां पर हुए भी बहुत भयंकर भयंकर बहुत विनाशक आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मुद्दों पर लेकिन उसको लेकिन उसको हमारी सरकार ने मीट आउट किया लोगों के बीच में गई उन आदिवासी क्षेत्रों में उनकी समस्याओं को सुना उनको लाभ दिया उनकी योजनाएं लाई हजारों लाख लाखों एकड़ जमीन उनको पट्टे पे दिया जो फर्जी मुकदमे में फंसा गए थे उनके मुकदमे वापस लिए जो फर्जी थे जांच करने के बाद उनको जेल से रिहा किया जो मात्र सात वन उपज बीजेपी की हुकूमत पिछले पंद्रह वर्षों में खरीदती थी प्रिक्योर करती थी एमएसपी प्राइस पे हमारी सरकार ने सिक्सटी सेवन वन उपज को खरीदने का काम किया चलिए उसके तो क्योंकि मेरा कहने का तात्पर्य है कि है। हमने उनका जीवन स्तर बेहतर किया सुविधाएं मुहैया कराई सरकारी योजना को लाभ दिया आपने सरकारी लागू कर भी किसानों के लिए लाभ पहुंचा दिया अब आपको एक मेरी सुननी पड़ेगी एक सेकंड जो है वो एक मिनट तक आ गया है इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है अगर इतना कुछ कर लिया तो फिर इस इमेज मेकओवर की जरूरत क्या कुली बनने की जरूरत क्या मैकेनिक बनने की जरूरत क्या किसान बनकर धान की कटाई करने की जरूरत क्या? इसमें बुराई क्या है हम समाज में हैं अगर समाज के किसी वर्ग के पास जाते हैं तो आपका कहना यह है कि अगर हम जीत रहे हैं तो उस वर्ग के पास जाए इंडिया टीवी का कहना यह है बुराई है मेरे इंडिया टीवी का कहना यह है क्या अगर हम सत्ता में जीत गए तो हम गरीब के पास न जाए हम किसान के पास ना जाए हम खेत में ना जाए मजदूर के पास ना जाए हम कारपेंटर के पास ना जाए तो ये मिल जी। अखिलेश जी भी बोलेगा ना तो मेरे ख्याल से इन्होंने मुद्दे की कुछ बातें करी और प्रोमिस की बात करी राहुल गांधी जी का है वो फोटो का है शौक तो उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते जहां तक कि मुद्दे की बात कर रहे हैं कि हमने पूरा किया तो मैं थोड़ा गिना देता हूं अभी हाल में ही आए हैं तो ये कह सकता हूं मैं ढाई महीने से हूं ये मेरे मित्र हैं दस दिन से यहां ये भी हैं लेकिन पहले आते हैं 2018 के घोषणा पत्र से और सबसे बड़ा जो घोषणा पत्र में था कि उन्होंने सबने एक ऐसे कसम खाई थी गंगा जल पे हाथ रखे और ये दो दोस्त हमारे हैं वहीं से आते हैं जहां गंगा जल की कसम खाई जाती है या गंगा बहती है और कहा था हम शराबबंदी कर देंगे ये तो जग जाहिर के शराबबंदी हुई नहीं फिर उन्होंने कहा कि हम लोग 2018 में जब हमारी सरकार बनेगी तो जो दो साल का बोनस है वो हम दे देंगे किसानों को वो दिया नहीं और कहा कि इन सरकार जो है मोदी जी देने नहीं देते राजस्व आपका धन आपका निर्णय आपका केंद्र सरकार यहां पे कहां से आ जाती है आप पूरा ना करो केंद्र सरकार को बोल दो आपने कहा कि हम लोग ज्यादा पंद्रह क्विंटल पर एकड़ धान खरीदेंगे आपने जो पिछले साल था वो उसमें भी जो पांच साल का सबसे जब केंद्र ने आपको इकसठ लाख मेट्रिक टन का दिया कोटा दिया कि आपकी धान लेंगे पीडीएस में आप पचपन लाख देते हो इसके बाद पंद्रह पंद्रह का आपका एवरेज नहीं जाता है अब बना रहे हैं लॉलीपॉप के हम बीस का देंगे इस तरह करते करते पत्ता पे आ जाइए सर जानकारी नहीं कि इसलिए मैं दे रहा हूं पत्ता पे आ जाइए जितनी समितियां हैं समितियां जो चलती हैं उसके प्रबंधक होते हैं उन प्रबंधक को कहा हम नियमित कर देंगे पूछो आज तक हो गया आपने यहां तक की जो तेंदू पत्ता बिनने वाले लोग हैं महिलाएं है, उनकी जो चरण पादुका है जिससे अब होने लगा है वो भी उनकी छीन लिया आपने और ये कहते हैं उनको ज्यादा पैसा दिया अरे आपने तीन दिन तीन दिन तेंदुपत्ता पे खरीद करते हैं लोग सीजन में हम पंद्रह दिन करते थे हम लेते थे सत्रह लाख मानक बोरा लेते थे तेंदु पत्ता ये दस लाख पे आ गए उसी से इनका बोनस खत्म हो गया जिसीलिए राहुल गांधी को बोलना पड़ा कि हम वो भी गलत बोल गए कि हम खरीदेंगे चार हजार रूपये वो बघेल साहब को ट्वीट तो करना चली पड़ा चली गई ना है? रमन जी की सरकार तो चली गई ना बीजेपी की सरकार फिर क्यों वो, चली वो एक अलग विषय है प्रोमिस पे आ रहे हैं हमारा जो कारण है वो एंटी इनकम्बेंसी का है हम हम जब आएंगे आए थे हमारी एंटी इनकम्बेंसी पे चढ़ के हा जब हम अब आ रहे जा रहे हैं हम एंटी इनकम्बेंसी पे नहीं है झूठ और स्कैम्स के ऊपर चढ़ के आ रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी स्कैम्स की बात हो रही है अखिलेश जी